Hey guys, I'm back with another video. आज का जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल है. आज हमारे पास आई हुई है क्विड. इस गाड़ी के अंदर एंड्रॉयड प्लेयर और क्रोम आइटम्स भी लगाए हुए हैं. वो कैसे दिखने वाले हैं और क्या क्वालिटी के यहाँ पे एक्सेसरीज लगे हैं, आइए हम जानते हैं इस वीडियो के अंदर. सरप्राइज कार एक्सेसरीज के अंदर बहुत सारी गाड़ियाँ जो है मॉडिफिकेशन के लिए आई रहती है. यहाँ पे आप देख सकते हैं हुंडई की क्रेटा गाड़ी है, इसके अंदर भी बहुत सारी एक्सेसरी लगने वाली है. इसका भी वीडियो आप लोगों को बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा. और यहाँ पे देख सकते हैं मैग्मा ग्रे कलर की मारुति सुजुकी ब्रांड की ये अर्टिगा, इसके अंदर भी बहुत सारे एक्सेसरी लगने वाले हैं. पीछे की तरफ देख सकते हैं फोर्ड की जिप भी आ चुकी है, यहाँ पे भी काम होने वाला है. आगे टाटा की है और मारुति की बहुत सारी गाड़ियों का मॉडिफिकेशन यहाँ पे सरप्राइज कार एक्सेसरीज के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा. तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं रेनॉल्ट की ये क्विड, इसके अंदर क्या क्या और कैसे लगे हैं इस वीडियो के अंदर दिखाइएगा. आइए यहाँ पे. तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, इस यहाँ पे ये जो टेललाइट है, टेललाइट क्रोम, मतलब क्रोम आइटम्स यहाँ पे क्लियरली लगाए हुए हैं. उसकी भी फिटमेंट आप देख लीजिए, क्वालिटी भी बहुत सही है. सिंगल एमएम का गैप यहाँ पे देखने को मिल जाएगा. टेललाइट को प्रॉपरली कवर किया हुआ है और बहुत ही स्मार्ट और मस्कुलर गाड़ी आपको यहाँ पे आपकी देखने को मिल जाता है. पीछे की तरफ यहाँ पे थोड़ा आगे आते हैं तो यहाँ पे कैच कवर्स देख सकते हैं. चारों डोर्स को कैच कवर हमने प्रॉपरली इंस्टॉल किया. इसकी भी फिटमेंट बहुत ही सही है. हमारे एक्सपर्ट टेक्नीशियन के अंडर में ये सब चीज़ें लग के आती है, तो इसमें कोई भी दोराही नहीं है. बहुत ही प्रॉपर सब काम होते हैं. और यहाँ पे देख सकते हैं स्पॉइलर भी लगाए चुके हैं प्रॉपरली. ब्लैक कलर में ये आता है. यहाँ पे क्विड का भी ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाता है. इसकी भी फिटमेंट आप देख लीजिए, बहुत ही प्रॉपर है. नीचे की तरफ ये, और यहाँ पे देख सकते हैं जो वर्बियम है उसको भी कवर करने के लिए हमारे जो क्रोम किट है उसी के साथ यहाँ पे क्रोमिंग से भी कवर किया हुआ है. तो ओवरऑल ये सब चीज़ें बाहर की तरफ लगी है. अंदर की तरफ मैं आपको दिखाना चाहता था जो मेन हमारा हाईलाइट है वो एंड्रॉयड स्क्रीन. हाँ गाइज, सरप्राइज कार एक्सेसरीज में बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के एंड्रॉयड स्क्रीन्स है, बट हाँ इसमें जो हमने लगाया है वो स्पेशली इस क्विड के लिए है. वो क्यों मैं बताता हूँ, पूरा जो है ये प्रॉपर एंड्रॉयड पूरा 9 इंचेस का है, बट हाँ जो मेनली यूज में आने वाला स्क्रीन है वो 8 इंचेस का है. तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास एंड्रॉयड स्क्रीन इसके अंदर हमने इंस्टॉल किए हैं. सरप्राइज कार एक्सेसरीज के अंदर बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के एज पर योर बजट हमारे पास एंड्रॉयड स्क्रीन है. आपकी जो रिक्वेस्ट है, मतलब आपकी यूज़ के हिसाब से भी हम सजेस्ट करते हैं कि आपकी गाड़ी के अंदर ये एंड्रॉयड प्लेयर परफेक्टली काम करने वाला है. तो इस गाड़ी के अंदर जो हमारी क्विड है इसके अंदर एंड्रॉयड प्लेयर हमने ये जो विजन ब्रांड है ये ब्रांड का लगाया हुआ है. इसकी अगर हम स्पेसिफिकेशन बात करें तो इसके अंदर देख सकते हैं इसका टच रिस्पॉन्स बहुत ही स्मूथ है. मोस्टली इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है जब हमारी गाड़ी शुरू हो जाती है. यहाँ पे देख सकते हैं ऐप बटन में क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं इतने सारे एप्लीकेशन, और ये साइड में तो इतने सारे एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाता है. इसका टच रिस्पॉन्स देख लीजिए, बहुत ही क्विक है और बहुत ही स्मूथ है. तो ये कार सेटिंग में अभी मैं जाता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा 9 इंचेस का एंड्रॉयड स्क्रीन है. बट हाँ ये जो है टोटली पूरा 9 इंचेस का एंड्रॉयड स्क्रीन मिलने वाला है. उसी के साथ जो यूज में आने वाला है वो 8 इंचेस का एंड्रॉयड प्लेयर, मतलब देख सकते हैं ये जो स्क्रीन है वो टोटली 8 इंचेस का है, वही यूज में आने वाला है. इसको बिठाने के लिए ये हमने प्रॉपरली इसका केस जो है पूरी तरीके से चेंज किया हुआ है. देख सकते हैं इसके फिटमेंट भी बहुत सही है, कहीं पे भी आपको सिंगल एमएम का गैप नहीं मिलेगा. ये जो है हमारा, आपको लगेगा नहीं कि आफ्टर मार्केट इंस्टॉल हुआ है, डायरेक्टली कंपनी फिटेड. जैसे ओईएम स्टाइल होता है ठीक उसी तरीके से हमारे एक्सपर्ट टेक्नीशियन के अंडर में, मतलब जो हमारे एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन हैं उनके अंडर में ये सब चीज़ें बिठाया हुआ है. उसके फिटमेंट आप देख लीजिए, बहुत ही प्रॉपर है. यहाँ पे मैं ऐप बटन को क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके का टच रिस्पॉन्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है. बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स है और इसका इंटरफेस भी बहुत सही है. जब हम गाड़ी शुरू करते हैं तो अभी देख सकते हैं, अभी मैं इसको फिलहाल बंद कर देता हूँ और यहाँ पे मैं अभी गाड़ी को ऑन करता हूँ तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके का फर्स्ट आपको वॉलपेपर या डिस्प्ले जो है कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है. तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्ट बाइक के लिए यहाँ पे कुछ ऐप्स दिए गए हैं, जैसे नेविगेशन ऐप है जिसके कारण आप कोई भी गाड़ी कहीं पे जाने वाले हैं, कोई लोकेशन ट्रैक करना है तो ईजिली यहाँ पे नेविगेट करके आप ड्राइव करते करते भी उसके मजे ईजिली ले सकते हैं. उसी के बाजू में रेडियो दिया गया है जिसके कारण आप डायरेक्टली रेडियो के भी मजे ले सकते हैं. अगर आपके गाड़ी के अंदर म्यूजिक सुनना है, कुछ सुनना है तो
BT कनेक्शन मतलब डायरेक्टली ब्लूटूथ से आपका मोबाइल डायरेक्टली पेयर हो सकता है इस एंड्रॉयड प्लेयर से। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन को दिया गया है जिसको यूज़ करके आप ये ढेर सारे एप्लीकेशन ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे म्यूज़िक का भी ऑप्शन दिया गया है जहाँ से आप गाने प्ले कर सकते हैं, तो ये भी है, और यहाँ से भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ओवरऑल बहुत ही सब चीज़ें जो आपको लगने वाली हैं वो सब चीज़ें यहाँ पे स्टैंड बाय में दिया गया है। और यहाँ पे आपको बता दूँ गाइज, यहाँ पे डायरेक्टली यूट्यूब का भी मज़ा आप ले सकते हैं, अभी देख सकते हो यहाँ पे हमारा वाईफाई जो है कनेक्टेड है, इसकी वजह से डायरेक्टली आप यूट्यूब के भी मज़े ले सकते हैं। जैसे कि आप मोबाइल पे फ़ोन से, आजकल के मोबाइल फ़ोन होता है, वहाँ से हम डायरेक्टली यूट्यूब ब्राउज कर सकते हैं, गूगल ब्राउज कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ यहाँ पे आप ले सकते हैं। उसके अलावा वीडियोस भी यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। इसके अंदर जो है 2 GB का रैम और 16 GB का इंटरनल स्टोरेज मिल रहा है, जिसके कारण इसके अंदर आप वीडियोस, फोटोज़ या गाना कोई भी आप स्टोर करके रख सकते हैं और उसके भी मज़े ले सकते हैं। यहाँ पे प्ले स्टोर भी दिया गया है जिसके कारण आप प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैलकुलेटर, इन सिंपल वे ये एंड्रॉयड स्क्रीन जो है आपका एक मोबाइल फ़ोन होने वाला है, मतलब ये कार का मोबाइल फ़ोन होने वाला है। मोबाइल में जो जो फीचर्स है, कॉलिंग से लेके सब कुछ, वो सब चीज़ें इसके अंदर मिलने वाली है। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, सरप्राइज कार एक्सेसरीज इसके अंदर ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के अलग अलग उसके भी आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे। तो अभी हम इसके सेटिंग्स में जाते हैं, तो यहाँ पे सिस्टम इन्फो में जाके यहाँ पे देख सकते हैं, और दो मिनट आपको मैं दिखा देता हूँ, चालू रख बंद। एंड्रॉइड सेटिंग में जाते हैं और मेन सेटिंग में जाके आपको इसका सिस्टम दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी सेटिंग में जाता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर एंड्रॉइड वर्जन जो है एंड्रॉइड 10.1 इसके अंदर एंड्रॉइड वो है, मतलब लेटेस्ट ही है, तो आप पे कोई दिक्कत नहीं है कि क्या कुछ प्रॉब्लम आने का। इसके अंदर हम स्टोरेज की बात करें तो अभी मैं आपको स्टोरेज दिखा देता हूँ। यहाँ से अभी आपके कोई लेटेस्ट वाले अपडेट्स आने वाले हैं तो यहाँ से भी सिस्टम अपडेट आप ले सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे स्टोरेज दिया गया है जिसके अंदर आपको बता दूँ 16 GB का इंटरनल स्टोरेज, जैसे मैंने आपको बॉक्स में दिखाया कि 2 GB का रैम, तो एंड्रॉयड प्लेयर में सब वो चीज़ें हैं जो आपके एक नॉर्मल मोबाइल फ़ोन में होना है। तो ये जो विजन का विजन ब्रांड का जो हमारा एंड्रॉयड प्लेयर इसके अंदर इंस्टॉल हुआ है वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो ये एक चीज़ आपको सरप्राइज कार एक्सेसरीज में ही मिलने वाली है। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है, यूज़फुल लगा है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर लेना, और कोई ज़रूरतमंद है तो उसको भी आप हमारा ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। आपको कोई आपकी गाड़ी के अंदर कोई एक्सेसरीज लगानी है, इंस्टॉल कराना है, तो सरप्राइज कार एक्सेसरीज का नीचे दिया गया नंबर है उस पर आप कॉल करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज पुणे में सरप्राइज कार एक्सेसरीज है, वहाँ पर भी आप डायरेक्टली आके आपकी गाड़ी का मॉडिफिकेशन करा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर लेना, और इस चैनल पे अगर आप नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, रखें अपना ख्याल, बाय।